हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, एरोमेटिसिटी। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, तो डिस्कस करने वाले हैं बेटा हम एरोमेटिसिटी। ठीक है ना? तो बेटा क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम? एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, लाइक नीट या जेई। तो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए हम इसे डिस्कस करेंगे, एरोमेटिसिटी, है ना। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो वेल नोन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है बेटा, पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर बात करें, तो पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सा है बेटा? पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन, है ना। तो वेल नोन कंपाउंड है बेटा ये बेंजीन। तो हमें मालूम है कि बेंजीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना बेटा। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर मालूम होगा, और बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एरोमेटिसिटी होने के लिए, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बेटा क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन है बेटा, फर्स्ट कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देयर शुड बी प्लैनरिटी प्रेजेंट, है ना। प्लैनरिटी होना ज़रूरी है। प्लैनरिटी कब होगी बेटा? जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड, है ना। अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपका sp2 या sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड है, दैट इज़ प्लैनरिटी है उसमें। ओके, पॉइंट नंबर टू देख लेते हैं, सेकेंड कंडीशन क्या है। सेकेंड कंडीशन बेटा है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकेंड कंडीशन है बेटा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। सेकेंड कंडीशन ये है ना, या कैरेक्टरिस्टिक की बात कर सकते हैं, राइट। एंड थर्ड कंडीशन की बात कर लो, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। ओके, तो ये तीन कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। तो अगर इन तीन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, दैट इज कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक। वेयर n इज बेटा, n क्या है? n इज ए इंटीजर, है ना। वेयर n इज इंटीजर बेटा, n क्या है? इंटीजर और कह सकते हो आप इज अ होल नंबर, है ना। इंटीजर और होल नंबर आप कह सकते हैं, n मे बी 0, मे बी 1 और 2, डॉट डॉट सो ऑन। ओके, अगर n की वैल्यू बेटा 0 है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखेंगे, n अगर 0 है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। ओके, अगर n की वैल्यू 1 है तो ये होगा आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और n वैल्यू 2 है तो बेटा ये कितना होगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और n वैल्यू 3 करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 14 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, देर शुड बी प्लैनरिटी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp हाइब्रिडाइज्ड। सेकेंड है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग, एंड थर्ड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। n इज इंटीजर और होल नंबर, है ना। n अगर 0 है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेंगे, n 1 है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n 2 है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, n 3 है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। बेटा फिर आगे देखो, इसमें इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपाउंड्स बेटा कैसा होगा? ओके, एरोमेटिक होगा, राइट। तो बेंजीन यहाँ पर जो कंपाउंड मैंने लिया है वो वेल नोन कंपाउंड्स है, और बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीन इन सारी कंडीशंस को बेटा क्या करता है? फुलफिल करता है, है ना। तो बेंजीन में अगर हम देखेंगे तो प्लैनरिटी भी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, और प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो वो देख लेते हैं, ये तीनों कंडीशन देखो। तो बेंजीन के केस में बेटा अगर हम देखते हैं, तो जैसा कि हमने बेंजीन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो बेंजीन स्ट्रक्चर में देखो, तो फर्स्ट जो बात की थी बेटा आपने, किसकी बात की थी? फर्स्ट
प्लेनरिटी की बात की थी, है ना। और प्लेनरिटी कब होगी बेटा, जब या तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन हो, राइट। तो यहाँ देखो बेटा, ये जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो आपको मालूम है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा। देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो मालूम है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp, है ना। इन दो कंडीशन में प्लेनेटी रहती है, ओके। इसमें प्लेनेटी नहीं रहेगी, तो क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो ये बेटा sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर है। अगर यहाँ देखें तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर है, तो सारे sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो बेटा फुलफिल हो गई इसमें, राइट, प्लेनेरिटी है बेंजीन में। सेकेंड कंडीशन की बात कर लो, तो सेकेंड कंडीशन बेटा आपने क्या बोला है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। तो सेकेंड वाली कंडीशन में आपने बेटा बोला था, सेकेंड कंडीशन में आपने बोला है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। तो बेटा ये जो पाई बॉन्ड है ना रिंग बेंजीन के अंदर, ये फिक्स नहीं रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं, है ना, रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहते हैं। यानी कि जो बेंजीन रिंग को आपने ऐसे लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो वो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना, इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हो, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो आप। यानी कि जहाँ सिंगल बॉन्ड लिया वहाँ डबल बॉन्ड ले सकते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड, ऐसे भी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो बेटा ऐसे लिखते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो रिंग में क्या है, मूव कर रहा है ना। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है यहाँ पर। अगर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है तो तब आपने क्या बोला है, तब भी वो सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है एरोमेटिसिटी होने के लिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है रिंग के अंदर, राइट, मींस डीलोकलाइजेशन है। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल है। फिर थर्ड कंडीशन देखो बेटा क्या कहा था आपने, प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। थर्ड वाला केस देखो बेटा, थर्ड वाले केस में आपने कहा है कि अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को सिस्टम को फॉलो कर रहा है ना, इस सिस्टम को अगर फॉलो कर रहा है तब भी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो बेटा बेंजीन रिंग में देखो आप, तो बेंजीन रिंग में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक पाई बॉन्ड ही है, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। देखो बेटा पाई बॉन्ड एक है बट इलेक्ट्रॉन्स कितने, दो। एक पाई बॉन्ड ही है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, दो हैं। एक पाई बॉन्ड ही है, दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, तो टू पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने, तो जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करेंगे तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने, 6, है ना। तो आपने कहा था कि अगर अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई या 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है। तो मुझे ये पता चल गया कि जो कंपाउंड है मेरा बेंजीन वो एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक होने के लिए फर्स्ट कंडीशन भी है, प्लेनरिटी भी है, सेकेंड कंडीशन भी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है, एंड थर्ड कंडीशन आपने कहा कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी फॉलो कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीन का एग्जांपल लेके मैंने डिस्कस किया यहाँ पर कि बेंजीन कंपाउंड कैसे एरोमेटिक है और किन कंडीशंस को फुलफिल करेगा तब वो एरोमेटिक कहलाएगा। और इन तीनों रूल्स को मिलाकर बोला जाता है बेटा, इन तीनों रूल्स को मिला के बोला जाता है ह्यूकल रूल। क्या बोला जाता है, आप बोल सकते हैं रेफर्ड टू एज ह्यूकल रूल, है ना, ह्यूकल रूल। लोग हकल रूल भी बोल देते हैं बट एग्जैक्टली इसे प्रोनाउंस किया था ह्यूकल रूल, है ना। तो ह्यूकल रूल या फिर आप बोल सकते हैं एरोमेटिसिटी, राइट। तो होपफुली कि आपको एरोमेटिसिटी समझ में आई होगी। तो एरोमेटिसिटी के केस में बेटा मैंने क्या कहा है आपसे, तो आप देखो एरोमेटिसिटी के केस में वेल नोन कंपाउंड से मेरे पास बेंजीन। कंडीशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बेटा के प्लेनरिटी, सेकंड कंडीशन है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग, एंड थर्ड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, एन इंटीजर और होल नंबर, एन मे बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एन अगर 0 है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एन 1 है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एन 2 है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एन 3 है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। फिर मैंने बेंजीन को एग्जांपल लेके इन कंडीशंस को देख लिया, प्लेनरिटी है इसमें देखा आपने, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है यहाँ पर, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी फॉलो कर रहा है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, है ना, और इसे मैंने आपसे कहा था कि इसे ह्यूकल रूल भी बोला जाता है ना, दिस रिफर टू एज ह्यूकल रूल्स, ओके। तो बेटा मुझे आप कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ मुझे, तो उन एग्जांपल्स में मुझे बताना है कि ये कंपाउंड्स एरोमेटिक है या नहीं। तो एरोमेटिसिटी समझ में आ गई होगी, ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो ऐसे अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, सपोज मेरे पास अगर एक एग्जांपल ये है ना बेटा, यहाँ देखो यहाँ पर है, तो अगर मैंने ये कंपाउंड्स ले लिया तो यहाँ पर भी लोन पेयर है ये, है ना, ऐसे लिखा होता है, या आप नेगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हो यहाँ पर। ओके, तो इसमें भी देखो, तो इसमें भी वो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही। तीनों कंडीशन बेटा कौन कौन सी, एक तो प्लैनेट ही है यहाँ पर, ये सारे सेंटर बेटा कैसे हैं, एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड है, ये एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड है, बट डबल बॉन्ड के साथ में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन लोन पेयर है ना बेटा। अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है तो इसका मतलब ये जो कार्बन होगा वो बेटा कैसा होगा, एस पी टू हाइब्रिडाइज होगा, यानी कि ये कैसा कंसिडर करेंगे हम, एस पी टू हाइब्रिडाइज। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें फुलफिल हो गई कि प्लैनरिटी है, प्लैनरिटी प्रेजेंट है। सेकेंड कंडीशन बेटा देखो, सेकेंड कंडीशन आपने कहा कि डीलोकलाइजेशन, तो डीलोकलाइजेशन की बात कर लो इसमें, तो बेटा इस वाले केस में देखो डीलोकलाइजेशन भी है, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, ये आपस में मूव करता रहता है ना, तो ये मूव करता रहेगा। ओके, तो डीलोकलाइजेशन भी प्रेजेंट है, और बेटा ये देखो क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ये भी देखना है। तो बेटा इसमें देखो कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, और दो इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, तो टोटल इसे कंसिडर किया जाता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा कितना है इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया आपका, अगर इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो बेटा वो कंपाउंड कैसा है आपका, एरोमेटिक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस एग्जांपल्स की अगर बात करें हम, इस एग्जांपल को बोला जाता है, 5 कार्बन है, साइक्लिक है, तो इसको बोला जाता है बेटा, इसके अगर नाम की बात करें हम तो साइक्लो पेंटा, इसको बोला जाता है साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, है ना, क्योंकि नेगेटिव आयन है तो एनाइन बोल दिया जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनाइल, दिस कंपाउंड आल्सो एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, तो होपफुली कि ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। तो एक एग्जांपल और देखो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ बेटा ये कंपाउंड्स एरोमेटिक है या नहीं है। ओके, तो ये कंपाउंड्स बताना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो अगर मैंने सपोज ये एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर एक एग्जांपल ये है, तो आपको बताना है कि ये कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक और नॉट। ओके, और एक एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल अगर मैंने ये ले लिया है ना, दूसरा एग्जांपल ये ले लिया है, इसको भी आपको बताना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। ओके, तो ये मैंने इस तरीके से बना दिया, तो ये आपको ये बताना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स है या नहीं। थर्ड एग्जांपल ले लो आप, तो थर्ड एग्जांपल्स में 3 रिंग इंट्रोड्यूस कर दो। तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि ये कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं या नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।